ओके मिस्टर एक्स बहुत जल्दी सिनेमा में आने वाली है, तो हमने कहा कि हम भी एक मिस्टर एक्स बन के दिखा देते हैं आपको। इज इट अ कॉपी ऑफ द हॉलो मैन? वेल इसका तो जवाब भट्ट साहब ने अपने आप ही दे दिया। यस हॉलो मैन वाज अ बिग हिट इन हॉलीवुड, यू हैड मिस्टर इंडिया ओवर हियर। That's where the similarity begins and ends with your hero turning invisible. I want to very forcefully tell the media that they must try and excavate the glorious journey of the Hindi cinema. It doesn't begin with Hollow Man, or doesn't is not should not be restricted only till Mr. India. Because there was a year 1957 where my father Nanabhai Bhatt, who made more than 100 films, had made Mr. X with Mr. G.P. C.P. in which the great Ashok Kumar had played the role of the Invisible Man. अगर शैतान छिपकर काम कर रहा है, तो भगवान को भी छिपकर काम करना होगा। तो ऐसी फिल्म करना, it's kind of a dream come true. एक dark इंटेंस सुपर हीरो प्ले करना, ये भी एक तरह से इट्स काइंड ऑफ अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल सीन है, अंडर वाटर सीन, और कहते हैं ये फर्स्ट इन द मूवीज है। नहीं होगी बॉलीवुड मूवीज में फर्स्ट, पर क्या आपको इसके बारे में पता है कि इसमें एक लॉलीपॉप को यूज किया गया था इमरान हाशमी की जगह? Fortunately for her, no, it was very fortunate. It was very fortunate that he wasn't there, but they tried to get me to make out with a lollipop, a Bisleri bottle, what else? Yeah. A Bisleri bottle. Yeah, I there was a Bisleri bottle. There was a Bisleri bottle in okay. one shot, and that I think it worked out. So well, eventually, though. Picture mein kaun sa shot use kiya gaya? Lollipop, Bisleri bottle, ya Imran? Acha Imran. मुझ में क्या है जिसको जीऊं जिसमें रहूं तेरे होने से ही मेरा होना है तुझको खोना जैसे खुद को खोना तू जो है तो मैं हूं यूं जो है तो मैं विजिबल और इनविजिबल होते हुए मिस्टर बॉक्स ऑफिस नहीं मिस्टर एक्स बॉक्स ऑफिस पे कैसे छाते हैं? मैं वो रघुराम राठौड़ नहीं जो कानून के दायरे में रहकर नाइंसाफी बर्दाश्त करेगा। मैं वो मिस्टर एक्स हूँ जो कानून तोड़कर इंसाफ करेगा। आपको क्या करना है? आपको लाइक सब्सक्राइब और सारी अच्छी चीजें करनी है। कीप फॉलोइंग बॉलीवुड पटाखा।